ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आज हमारी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, पर क्या आज भी वो रूहों की दुनिया को समझ सका है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक रूह या एक ताकत ऐसी है जिसका असर तो आप देख सकते हैं पर वो इस दुनिया में नहीं है, अजीब सी बात है ना। दरअसल वो हमारे ही बीच पर किसी और ही दुनिया में है, इंसानों की बनाई एक नई दुनिया में। पर हमारी बदकिस्मती से कभी कभी वो कुछ इंसानों से टकरा जाती है। शुक्र मनाइए कि अभी तक वो आपसे नहीं टकराई। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी के लिए मैं सुमंतो रे को अपने साथ लेकर मिसावा जापान गया, जहां उन्होंने हारुमाकी को इंटरव्यू किया। हारुमाकी ने बरसों एक खौफ के साए में बिताए हैं, पर क्या वो आज भी उस खौफ से बाहर निकल सके हैं? शायद। मैं जब हारुमाकी के घर पहुंचा तो वो मेरा इंतजार करते हुए मिले और मैंने उनसे जो पहली बात की वो थी, आई डोंट बिलीव इट। आप क्या, अगर आपकी जगह कोई भी होता, बल्कि उस घटना से पहले मैं खुद यही कहता, इस बात पर भला कोई कैसे यकीन कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी जापानीज सोसाइटी जितनी ट्रेडिशनल है उतनी एडवांस भी, इसलिए उस दिन जब तक मैंने अपने फ्रेंड क्यो सातो के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं देख लिया, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। एक्चुअली क्यो सातो की फैमिली जब अकीटा में शिफ्ट हुई तो उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। वो काफी चुप रहने वाला लड़का था, तो जल्दी कोई उसका फ्रेंड भी नहीं बना, इसलिए हम दोनों कंप्यूटर पर घंटों वीडियो चैट करते थे। ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज से लौटा तो वो भी ऑनलाइन आ गया और हमने चैट शुरू कर दी। हाय क्यो, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, आज स्कूल में मजा नहीं आया। वो मेरी टीचर है ना, रिको मेनामी, यार बहुत टॉर्चर करती है। आई मीन हर सेकंड एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट, यार यही सब करता रहूंगा तो सिलेबस का पूरा होगा। अरे यार, स्कूल की टेंशन स्कूल में ही छोड़ दिया कर। पता है आज मेरी एक नई फ्रेंड बनी, वो रेस्टोरेंट है ना जहाँ हम अक्सर जाया करते थे, वहीं। तू ये क्या कर रहा है? डस्टिंग। बात के साथ साथ काम भी हो जाएगा, नहीं तो बड़ा बोर हो जाता हूँ। तू तो जानता है ना मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है, नया बिजनेस भी शुरू किया उन्होंने, तो वैसे भी वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाती घर को। क्यों? हाँ, पप्पी को वॉक कराने कब ले जाओगे? और तुम्हें लॉन्ड्री भी जाना है, याद है ना? देखा, बस अभी मॉम, तुम आराम से जाओ, मैं सब देख लूंगा। ठीक है बेटा। अरे ये तेरी पिक्चर दिखनी कैसी बंद हो गई? पता नहीं, कोई पॉपअप है, पर ये चैट के बीच में कैसे आ गया? क्यों, तेरे कॉम में पॉपअप ब्लॉकर नहीं है क्या? अरे है यार, तभी तो, पता नहीं कैसे आ गया। पर पॉपअप में है क्या? एक रेड विंडो है। व्हाट, रेड विंडो? यू नो ना व्हाट इट मींस? यस आई नो, इट्स द कर्स्ड पॉपअप। गॉड, व्हाट इज इट सेइंग नाउ? कुछ भी कहे, आई डोंट बिलीव इट। वो कह जरूर रहा था कि उसे इन सब में विश्वास नहीं है, पर उसकी आवाज में डर था। तभी कोई आवाज आई, शायद पॉपअप विंडो से। डू यू लाइक इट? क्या मतलब है इसका, ये बोल रहा है डू यू लाइक इट? मैंने भी सुना। मैं क्या जवाब दूं? पागल हो गया है क्या? कोई जवाब मत दे, बंद कर दे इस विंडो को। आई एम ट्राइंग यार, कब से यही तो कोशिश कर रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा।
इट्स नॉट गोइंग। तो पावर सप्लाई बंद कर दे, तब तो बंद होगा ना। गो फास्ट, जल्दी कर। हाँ अभी जाता हूँ। डैम, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। बंद नहीं हो रहा हरू। अब क्या क्या बंद नहीं हो रहा? स्विच? नहीं, वो तो मैं बंद कर चुका हूँ, पर पीसी बंद नहीं हो रहा। इट्स नॉट शटिंग डाउन। तब तो ये वही है, पक्का वही है, द रेड रूम। होने दे रेड रूम, बकते तो इसको जो मना है। आई नॉट रिप्लाई। आंसर प्लीज। डोंट आंसर। क्यों? बिल्कुल जवाब मत देना। आई डिडंट गेट यू डियर। बिल्कुल चुप रहना, बोलने दे इसे। से समथिंग प्लीज। से यस और नो। चुप रहना। क्यों? जैसे खड़े हो खड़े रहो, हिलो भी मत। इसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम रूम में हो भी या नहीं। इफ यू डोंट से एनीथिंग आई विल बिलीव यू लाइक इट। हरू, मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ भी नहीं बोला तो इसके लिए तो हाँ ही है ना। आई विल काउंट अप टू 5, 1, 2, 3। जल्दी बता क्या करूं। 4। चुप रह, बिल्कुल चुप। 5। I take your silence as a yes. ये पूरा स्क्रीन रेड हो गया हरू। Do you like the red room? The names of the guests are Anna Yamato, Matsudo, and Kisato. इसके बाद उसने कितने और क्या नाम लिए मुझे कुछ याद नहीं, पर कुछ ही देर बाद वो पॉपअप विंडो बंद हो गया और मुझे क्यो की पिक्चर दिखने लगी। वो सामने वॉल से पीठ टेका कर ऐसे बैठा था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? डोंट वरी, क्यों, कुछ नहीं होगा। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर मुझे सिर्फ उसके सिसकने की आवाज सुनाई दी। अगले दिन मुझे मेल पर उसका गुड बाय लेटर मिला तो मैं जैसे पागल हो गया। डियर हरू, यू नो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे बहुत दुख है यार कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ अकीता चला है, पर मैं क्या करता, मॉम और डैड के साथ आना पड़ा। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता, बास्केटबॉल खेलता, पार्टी करता, तुम्हारे पुराने जोक सुनता और खूब सारी मस्ती करता, पर क्या करूं यार, मुझे जाना पड़ रहा है। सॉरी हरू, आई एम सॉरी, बट बाय बाय हरू, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों साथू। लेटर पढ़ते ही मैंने उसे फोन लगाया, चैट पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर ना उसने फोन उठाया ना वो ऑनलाइन आया। मैं अपनी मॉम के पीछे पड़ गया कि मुझे क्यों के पास जाना है। बड़ी मुश्किल से वो मुझे भेजने के लिए तैयार हुई, पर जब मैं उसके घर पहुंचा तो ये कैसे हुआ आंटी? बालकनी से 17 फ्लोर नीचे उसकी बॉडी मिली हमें। क्यों किया होगा उसने सुसाइड? कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बताता ना, या फिर अपने डैड को बोलता। हमारा एक वही तो था। मैं क्या कहता हूँ उनसे, बस चुपचाप लौट आया। ऐसी कोई और घटना पता है आपको? उस घटना के कुछ वक्त बाद एक दिन मेरे पीसी में भी अचानक वही पॉपअप आया था। मैं कोई मेल टाइप कर रहा था कि अचानक वही रेड विंडो सामने आ गई। मैं अपने ध्यान में ही था और उससे रिमूव करने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक उसमें से आवाज आई। Do you like it? अचानक मुझे वो सब याद आ गया, मुझे क्यों की दर्द भरी आवाज याद आ गई। क्या करूं यार, मुझे जाना पड़ रहा है। सॉरी हरू, I'm sorry, bye हरू। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। तभी फिर से आवाज आई। Say something please. Say yes or no. No, no, no! तुमने सुना? I said no. Trust me, dear. It's the best place in the world. See it with your own eyes. और उसके बोलते ही सारा स्क्रीन लाल हो गया। अब उस पर और कुछ नहीं था, सिर्फ लाल रंग। और फिर आवाज आई। Do you like the red room? मैं समझ गया कि मुझे भी क्यों के पास जाना पड़ेगा। मुझे अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई सी लगी। मुझे कुछ समझ में आता कि तभी डैड अंदर आए। हरू रन, अर्थक्वेक आया है, कांट यू फील इट, चलो जल्दी रन। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। कम ऑन, एवरीबॉडी इज आउट, तुम्हारी माँ भाई सब चले गए, हटो हटो, जाने दो,
प्लीज रास्ता दो, रास्ता प्लीज। हम सब भाग के प्लेग्राउंड में पहुंच गए। तभी बहुत जोर की आवाज हुई और हमारी 30 फ्लोर की बिल्डिंग किसी सैंड आर्ट की तरह जमीन पर आ गई। उस दिन 4-5 लोग हमारी बिल्डिंग के नीचे दबके मरे थे। अगर मुझे मरना ही होता तो अर्थक्वेक में उन 4-5 लोगों के साथ बिल्डिंग के मलबे में दबकर मर जाता, जो वक्त पर बिल्डिंग से निकल नहीं सके थे। मतलब रेड रूम से अर्थक्वेक ने बचा लिया आपको? शायद। पर ये रेड रूम कहां से आया? ये रेड रूम की कर्स शुरू कैसे हुई? कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक है कि एक टीनेज लड़का था, कंप्यूटर का मास्टर, बॉर्न टैलेंट, बड़ी से बड़ी आईटी प्रॉब्लम्स वो चुटकियों में सॉल्व कर देता। एक दिन उसे इंटरनेट पर ही किसी लड़की से प्यार हो गया। वो उससे रोज चैट करता था। टीनेज लव, मतलब जिस दिन वो अपनी फ्रेंड से चैट न कर ले, ना उसे भूख लगती थी ना प्यास। वो कुछ भी नहीं कर पाता था, रात रात जगता रहता था। पर अक्सर ऐसा कम ही होता था कि लड़की उसे ऑनलाइन ना मिली हो। पर एक बार वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो लड़की ऑनलाइन नहीं आई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन और ऐसे जाने कितने दिन बीत गए। लड़का पागल सा हो गया। इतने दिन से वो लगातार ऑनलाइन बना रहा कि एक बार वो दिख जाए। पर वो नहीं आई तो नहीं आई। लड़के को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। आखिर उसने लड़की को एक गुड बाय लेटर लिखा। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों किया? तुम जब मुझे नहीं मिली थी, मैं तो जी रहा था ना। फिर क्यों आई तुम और चली भी गई? तुम्हें पता है मेरी सांस रुक रही है, एक एक करके मेरी धड़कन कम होती जा रही है। पहले तुमने मुझे छोड़ा, पर अब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट आई हैव टू। पिछले जाने कितने दिनों से मैं एक पल भी नहीं सो सका हूं, पर अब सोना है मुझे आखिरी बार। पर उससे पहले अपने रूम को सजाना चाहता हूं। कहीं तुम कभी यहां आ गई तो तुम्हें ये सुंदर दिखना चाहिए ना। आई कलर इट रेड, द कलर ऑफ लव, बाय ओनली योर्स। कहते कि इसके बाद उसने अपने हाथ की नस काट ली और टपकते हुए खून से दीवार को रंगाना शुरू कर दिया। और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आई कि वो अपने शरीर से निकली आखिरी बूंद तक दीवारों को रंगाता रहा। और सुबह उसके पेरेंट्स ने जब उसका रूम खोला तो उनका बेटा फर्श पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल पीला, और कमरे की सारी दीवारें लाल थी। और शायद तभी से ये कर्स ऑफ द रेड रूम शुरू हुई। सवाल है कि क्या कोई कर्स साइबर स्पेस में भी पहुंच सकती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के ने मरने से पहले खुद ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया जो किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर पर पॉपअप हो जाता है। कंप्यूटर वायरसेस भी तो ऐसे ही होते हैं और उन्हें भी ऐसे ही आईटी जीनियस बनाते हैं। पर लोग रेड रूम के आते ही सुसाइड क्यों करने लगते हैं? शायद इसका कारण मनोवैज्ञानिक हो सकता है। इसीलिए तो हारुमाकी का घर अर्थक्वेक से तबाह होने के शॉक में उसे सुसाइडल मेंटल स्टेट से बाहर निकाल दिया, वरना उसके साथ भी वही होता जो उसके दोस्त कियोसातो के साथ हुआ था। पर एक इंसान क्या अपने खून से पूरे कमरे को पेंट कर सकता है? क्या जिस्म से इतना खून निकल जाने के बाद भी वो इंसान खड़ा होके कोई काम कर सकता है? सोचिए, क्योंकि कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा एक ऐसी ही नई दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी के साथ, जिसे सुनकर हारुमाकी की तरह आप भी कह पड़ेंगे। और एक आखिरी बात, क्या आप इंटरनेट यूज करते हैं?
अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पॉपअप्स किसी देश की सरहद को नहीं जानते। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।